मैं चली देखो प्यार की गली। क्या पूछा, कहाँ जा रही हूँ? भाई वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों के स्कूल हॉलीडे, मतलब हमारा भी वेकेशन स्टार्ट। एक महीने ही सही, लेकिन थोड़ा चेंज तो होगा। 15 दिन मम्मा के घर रिलैक्स करके आऊंगी। 15 दिन इन लॉज के वहां भी जाना है। आप आओगे मेरे वेकेशन पे मेरे साथ? कम ऑन आओ। गॉड, 6:30 बज गए, अब तो मम्मी जी उठ गई होंगी। आज तेरी खैर नहीं अंजलि, जल्दी कर, जल्दी चल। अरे मम्मी जी, आप क्यों आई किचन में? मैं बस वो आने वाली थी। हो गई तुम्हारी सुबह बहू। वो मम्मी जी कल रात में थोड़ा सा लेट हो गया था ना सोने में, इसलिए सुबह थोड़ा देर से आ खुली। आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, बाल बाल बच गई अंजलि आज तो तू। दस बज गए यार, चलो उठ ही जाती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मा, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दो अपने हाथों की। ओ, एक मिनट चेक तो कर लूं सारे सेफ्टी गैजेट्स हैं कि नहीं। चूड़ी है, मंगलसूत्र है, इयर रिंग्स हैं। ओ, बिंदी और सिंदूर, ओ माय गॉड। ये लग गया सिंदूर और ये हो गई बिंदी। बच गई अंजलि, नहीं तो मम्मी जी इस बिंदी और सिंदूर के लिए इतना नाटक करती जितना तो दीपिका पादुकोण ने भी नहीं किया होगा। ओह, ये चूड़ी। अरे स्टूपिड अंजलि, अब तू मायके में है, ससुराल में थोड़ी है। उतारी सारी झंझट, टीम टाम, या एंड फील लाइक अ बर्ड। कितना रिलैक्स फील हो रहा है अब। कितना काम करा रही इस नन्ही सी जान से, कमर ही टूट गई मेरी। मम्मी जी, खाना बन गया है, आ जाइए खाने के लिए, लगा देती हूँ। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी, तुम्हारे हाथों का मलाई कोफ्ते ना, आज मलाई कोफ्ते ही बनाना रात में, ओके? मैं कहे बर्तन साफ करने के लिए वेकेशंस पे आई थी। पानी देगा क्या? कोई एक ग्लास पानी दे दो। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, कहीं बाहर भी नहीं गई। आज शॉपिंग पे चली जाऊं क्या? मम्मी जी से पूछती हूँ, वो तो पक्का मना ही करेंगी।
लेकिन पूछना तो पड़ेगा ही ना। चलो पूछ लेती हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हैं? अच्छा मम्मी जी ना मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए और कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि आज जरा शॉपिंग के लिए चली जाऊँ। शॉपिंग? हाँ मम्मी जी। अरे बहू इतनी गर्मी है बाहर, कहाँ जाएगी शॉपिंग पे, घर पे ही बैठ। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुन बहू। हाँ मम्मी जी जाओ। अरे नहीं वो मैं सोच रही थी ना कि मैं अपनी सहेली के साथ बाजार हो आती हूँ, तुमको जो सामान वगैरह है ना मुझे बता दो, मैं लेती आऊंगी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुन बहू। तू घर पे बैठे बैठे खाली क्या करेगी, ये पर्दे धो देना। कर्टन? हाँ कर्टन, और जरा अच्छे से धोना। धो दूंगी। हम मम्मी घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, सोचो आज फ्रेंड के साथ कहीं बाहर चली जाती हूँ। मम्मी मैं जरा बाहर शॉपिंग पे जा रही हूँ। मम्मी मैं जरा आउटिंग पे जा रही बाहर फ्रेंड्स के साथ, शाम को लेट से आऊंगी। मम्मी मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, रात को आने में देर हो जाएगी। बहू। हाँ मम्मी जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बैठी थी। अरे ऐसे ही बैठी तो आके मेरे पैर दबा दे, मेरे पैरों में इतना दर्द है। आती हूँ मम्मी जी। ऐ बहू हाथों में जान नहीं है क्या, जरा ठीक से दबा, ठीक से दबा ताकत लगा के। ठीक है। ठीक से दबा, कभी गला क्यों नहीं दर्द करता इनका, मन करता है गला दबा दूं। कुछ बोला? नहीं नहीं मम्मी जी मैंने कुछ नहीं बोला, वो कल आप बोल रही थी ना कि आपके गले में दर्द है, तो मैं सोच रही थी कि अदरक वाली चाय बना के ले आती हूँ आपके लिए। ए तो सोच क्या रही है, जा जाके बना ला। हाँ मम्मी जी लाती हूँ बना के अभी। मम्मी मजा आ गया आपके हाथों की चंपी ना। ए बहू। हाँ मम्मी जी। कपड़े धोने जा रही है क्या? हाँ वो बस कपड़े धोने जा रही थी। वो मेरे भी दो चार कपड़े हैं, धो देना जरा। अच्छा दे दीजिए। पर मशीन से नहीं, हाथ से धोना, मशीन के मुझे पसंद नहीं। हाथ से? मम्मी कपड़े धोने जा रही हो क्या? ये मेरे कपड़े भी कुछ मशीन में डाल देना। वेकेशन? ये वेकेशन है? वेकेशन में लोग क्या क्या सोचते हैं, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे आराम करेंगे मजे करेंगे, ये वेकेशन नहीं पनिशमेंट है, पनिशमेंट। अब से कभी नहीं आऊंगी ऐसे वेकेशन पे। क्या वेकेशन है यार, लग रहा है कि साक्षात स्वर्ग में आ गई हूँ। मन तो करता है कि हर महीने वेकेशन पे आऊं। बल्ले बल्ले बल्ले। Hey, hi guys, this is Anjali and thank you so much for watching this video. And I just want to tell you कि अभी आजकल मैं वेकेशंस पे आई हुई हूँ और अपने इन-लॉज के घर में हूँ, और मेरे वेकेशंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं जैसे आपने इस वीडियो में देखे, और ना ही मेरी सास इतनी डेंजरस है। मेरी सास एक बहुत ही स्वीट और जेंटल लेडी है। एक्चुअली ऐसा कहना पड़ता है यार क्योंकि ये वीडियो वो भी तो देखेंगी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, शी इज रियली वेरी स्वीट। तो आप प्लीज मुझसे शेयर करिएगा कि आपके वेकेशंस कैसे होते हैं आपके ससुराल में और आपके मायके में, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं एवरी फ्राइडे फनी और इंटरेस्टिंग वीडियोज अपलोड करती हूँ आपके लिए। इसके अलावा मैं वीक्स में 3 वीडियोज अपलोड करती हूँ, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय।